दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। 30 जून से मेट्रो सेवाएं ठप हो सकती हैं। दरअसल दिल्ली मेट्रो के करीब 9000 नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों में ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ आते हैं। ये कर्मचारी अपनी सैलरी पे ग्रेड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी कर्मचारी हड़ताल पर जाने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने बातचीत कर हड़ताल को टलवा दिया था। आज नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच बैठक हो सकती है, और अगर बैठक बेनतीजा रही तो 30 जून को दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाले मेट्रो के पहिए थम सकते हैं। तो आज भी बैठक हो रही है, और इस बैठक के बाद ही समझ में आएगा कि क्या वाकई में ये हड़ताल टलेगी या फिर कायम रहेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी अपनी धमकी को लेकर के। प्रफुल्ल ने ज्यादा जानकारी देने के लिए। प्रफुल्ल, आज फिर से बैठक होगी, क्या उम्मीदें लगाएं? देखिए, आज टीएमआरसी के जो टॉप मैनेजमेंट है और जो नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ के यूनियन है उनके बीच में एक बार फिर बैठक आज होने जा रही है। इससे पहले भी ये दो बार बैठक हो चुकी थी जब स्ट्राइक की धमकी दी गई थी नॉन एग्जीक्यूटिव स्टाफ की तरफ से। तो आज जो पे ग्रेड और रिविजन की मांग कर रहे हैं सैलरी में, इस मसले को लेकर जो है दोनों पक्षों में बात होनी है, और डीएमआरसी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो कुछ विकल्प लेकर आया है। जो सातवें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं और उस हिसाब से पे करने की, उसको लेकर एक फॉर्मूला तैयार किया गया है, तो उसी फॉर्मूले पर चर्चा होगी। और डीएमआरसी का जो टॉप मैनेजमेंट है उसको उम्मीद है कि जैसे पिछली बार इस हड़ताल को समय रहते रोक लिया गया था, इस बार भी कर लिया जाएगा। और एम्प्लॉइज, चलिए प्रफुल्ल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज भी बैठक होगी, और इस बैठक के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर क्या कुछ तय किया गया है।